हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार का प्रशंसा पत्र पढ़ दिया, ये मैं आज पढ़ने वाला नहीं होगा। जो विधानसभा का सदन होगा, गवर्नर एड्रेस होगा, जब प्रशंसा पत्र पढ़ना, मैं आज इसको विवादित नहीं करना चाहता। मेरे पास बहुत कुछ है देने लिए। हुड्डा साहब, आपके पास जो कुछ था हरियाणा की जनता ने उस पर काटा लगा दिया। महोदय, अगर ये आपके चुनाव को विवादी बनाना चाहते हैं तो हम लोग वापस कर जाते हैं। ये कोई तरीका है इनका? आज का हम आपकी बात कर रहे हैं, विषय सीमित रहे, कोई प्रशंसा पत्र पढ़ रहा है, विषय की बात कर रहा है। हुड्डा साहब, आपने अगर अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार का प्रशंसा पत्र पढ़ दिया, ये मैं आज पढ़ने वाला नहीं होगा। जो विधानसभा का सदन होगा, गवर्नर एड्रेस होगा, जब प्रशंसा पत्र पढ़ना, मैं आज इसको विवादित नहीं करना चाहता। मेरे पास बहुत कुछ है देने लिए। मैं आज केवल अपने आप को सीमित रखना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ गलत परंपराएं भी होती रही है, उनकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। जैसे 2009 से 2014 तक जब मैं विधायक था और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, वो तो अब आया नहीं, उसकी क्या बात करें, जो हाउस में ना हो उसका नाम नहीं ले सकते। मुझे सबसे ज्यादा बार हाउस से निकालने का मेरा रिकॉर्ड बना हुआ है। मेरा सारा सारा भाषण जो मैं देता था वो डिलीट कर दिया जाता था। मतलब कि आप रिकॉर्ड देखेंगे विधानसभा का, परंतु उस पीरियड को जो 2009 से 2014 का पीरियड था, उसको आप ब्लैकआउट कर देना, उसको मत देखना। क्योंकि अगर आपने उसको देख लिया तो फिर डर लगता है कि कोई ना कोई उसमें से बात आपके दिमाग में आ जाए। हुड्डा साहब ने कहा है हमारे मुख्यमंत्री जी को कि आपने इस अवसर पर बहुत सारी अपनी पार्टी की बातें कह दी, और यह भी कहा है कि कहने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ था परंतु मैं कहूंगा नहीं। हुड्डा साहब, आपके पास जो कुछ था हरियाणा की जनता ने उस पर काटा लगा दिया। काटा लगा दिया, और प्रजातंत्र में मैंने कहा तो जवाब दे रहा हूँ। बस देखो, ये स्पीकर के इलेक्शन को सात बार के विधायक, मैं भी सात बार का हूँ, हम दोनों सत्ते हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अगर ये आपके चुनाव को विवादी बनाना चाहते हैं तो हम लोग वॉकआउट कर जाते हैं। ये कोई तरीका है इनका? आज का हम आपकी बात कर रहे हैं, विषय सीमित रहे, कोई विषय प्रशंसा पत्र पढ़ रहा है, हुड्डा साहब से भी बात कर रहा है। हुड्डा साहब, आपने अगर अध्यक्ष महोदय हो जाएंगे तो इनका क्या व्यवहार रहा स्पीकर के साथ, वो पुराने स्पीकर बता देंगे। हुड्डा साहब, व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी को जो इन्होंने किया। ये आप छोड़ दो इस बात को, मैं विवादित नहीं करना चाहता हूँ। ये बात नहीं है, विषय पर सीमित रहे। जस्ट लिसन टू मी, निवेदन। आई एम नॉट इनिशिएटेड, आई एम आंसरिंग। समय दिया, आई एम आंसरिंग विच यू आर मेंशनड, पूछ के मैं खड़ा हुआ हूँ। आई एम मेंशनिंग विच यू आर मेंशनड इन योर स्पीच, मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र में, अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, प्रजातंत्र में जनता बड़ी होती है और जनता के फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए। धन्यवाद।